खलील उर रहमान कमर हमायत की है ना और लखा मौलविया पीर अगे निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की मुहिम को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है, जबकि इस मामले पर ड्रामा राइटर खलील उर रहमान की खातून मारवी सरमद के हवाले से की गई गुफ्तगू के बाद एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की मुहिम के हवाले से लोगों की मुख्तलिफ आरा देखने में आ रही है, जबकि इस मुतलक खलील उर रहमान के नजरिए पर भी लोग तकसीम है। कुछ उनकी हमायत कर रहे हैं तो कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा खादिम रिजवी भी खलील उर रहमान कमर की हमायत में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि खलील उर रहमान ये बात कर बैठे हैं, उन्होंने जो बात की है इसके बाद वो लाखों पीरू फकीरों से आगे निकल गए हैं, जो दीन की खाते हैं लेकिन दीन की बात नहीं करते। खादिम रिजवी ने मजीद कहा कि खलील उर रहमान इस औरत से उलझ पड़े हैं जिससे वाकई उलझना चाहिए था, वो दीन की खातर इस औरत से उलझे हैं, उन्होंने कहा कि वो औरत हमारे माशरे में कैंसर फैलाना चाहती है। क्या घरों में बैठी मुसलमान बच्चियां अपने वालदेन से ये कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? खलील उर रहमान ने इस औरत को ठीक कहा कि तुम्हें ये गंद फैलाने का किसने दिया? कभी कभी एक जुमला भी इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा डॉक्टर आमर लियाकत का कहना था कि खलील उर रहमान कमर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उनका इलाज करवाया जाए, और भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं, वो वीडियो शेयर की हुई है, आप एंड स्क्रीन की वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो मौजूदा कंडीशन को देखकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।